अभी हम लोग सुबह हुई है तो अभी हम लोग बाहर जाएंगे। अभी 7:38 हो जाएगा तो हम लोग बाहर जाएंगे, थोड़ा बहुत नाश्ता वाश्ता करेंगे, देखेंगे सुबह में सीन कैसा रहता है। और एक जगह पे जाने वाले हैं जो वो पुल सेक्शन है, हम लोग वो साइड से गए थे कल के दिन, तो आज हम लोग वहाँ पर जाने वाले हैं और वहाँ से सुबह का व्यू देखेंगे। और आगे जो आने वाला है इट विल बी इंटरेस्टिंग आई गेस, आपके लिए भी मेरे लिए भी। तो चलो चलते हैं, फिर जल्दी से मैं रेडी हो जाता हूँ। रेडी इन द सेंस शूज पहनना है, भी पहन के भी निकलेंगे, भी जाएंगे उधर जाएंगे, बाहर जाने के बाद अपन देखते फिर कैसे जाते हैं। तो चलो चलते हैं। अभी सुबह में लोगों का नाश्ता बनाने का तरीका ही टोटली अलग है। हमारे यहाँ पे सड़ी उड़ी के अंदर होटल वोटल्स रहते हैं, फिर उन लोग के थोड़े ठेले होते हैं, लेकिन यहाँ पे इन लोग के ना खाना बनाने की चीज़ें ना रोड पे लेके आ जाते हैं, और बाहर उधर ही रोड पे उधर ही बिछा के उधर ही बना रहे हैं लोग, उधर ही खाना खा रहे हैं, और खाना भी बहुत सही बना रहे हैं लोग। मैंने टेस्ट नहीं किया तो सुबह का टाइम था, इसलिए मैं नारियल पानी पीऊँ, क्योंकि मैंने फ़िश बहुत ज़्यादा खा लिया था कल, कुछ ना हो जाए सफ़र के अंदर, तो इसके लिए मैं ना 2-3 नारियल पानी पी के अभी वापस से हम लोग है ना पानी के पास आए हैं। यहाँ पे आपको शायद आवाज़ आ रहा रहेगा, मुझे तो आ रहा है। यहाँ पे है हम लोग व्यू पॉइंट के पास जाएंगे अभी, यहाँ पे है या गेट खुला है देखेंगे यहाँ पे जाके। सुबह सुबह यहाँ पे है ना कोई आया नहीं है, छोटे बच्चे हैं, छोटा बच्चा है टॉयलेट बैठ रहा है शायद इधर ही। देख लिया देख लिया, हो गया अभी, बस ऐसी आया है देखने के लिए। हाँ देख लिया, देखा देखा, मेरे को भी तो मिलने आते हैं, बस समझ रहा हूँ एक्सप्रेशन से। दिस इज़ कावेरी, मैं कावेरी की बहुत नज़दीक आ गया हूँ। ये डोर कल बंद था, आज पता नहीं सुबह का टाइम है, कॉप्स वगैरह पुलिस वगैरह कुछ आई नहीं है, वो पुलिस आएगी तो ये बंद कर देगी शायद। तो यहाँ पर लोकलेज हैं, ये लोग इन्होंने ओपन किया है, तो मैं यहाँ पर आया हूँ। और दिस इज़ द कावेरी रिवर, ये लोग बोल रहे हैं कि पानी बहुत ज़्यादा है, पानी यहाँ तक नॉर्मली आता नहीं है, अभी बारिश की वजह से ज़्यादा पानी आ गया है तो ऊपर तक आ गया है। देखने में ऐसा लग रहा है जैसे नॉर्मली पानी बह रहा है, लेकिन इट्स सो डीप, बोल रहे हैं कि एटलीस्ट 40 फीट का डीप है यहाँ पर, इट्स ह्यूज। वहाँ पे भी आप देख सकते हो सुबह का टाइम है, सो फॉगी, और ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे बारिश हो ही रही है। हम लोग अभी यही रास्ते से जाएंगे, वहाँ पे फिशिंग वगैरह होती है, मैं खाऊँगा तो नहीं क्योंकि सुबह सुबह वो नहीं होएगा, फिश विश खाने नहीं होता है सुबह सुबह के टाइम। और यहाँ पे सुबह सुबह लोग आ जाते हैं, आप देख सकते, तब से भी अंकल पीछे पीछे आ रहे थे, यहाँ पे वो बिजनेस का बहुत सीन है, तो आ जाते हैं फिर पीछे आ रहे ना लोग आ जाते हैं, बाद में मसाज कराओ, बोटिंग वोटिंग वही रहता है। आप नेक्स्ट टाइम में आओगे तो एक बार बोटिंग करना है तो आप बोटिंग कर लेना, क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम किया, लेकिन वो लोग आपको है ना वो नॉर्मली गवर्नमेंट फीस पे करने के बाद 1 घंटा बोलते हैं, नहीं तो आप एक्स्ट्रा चार्ज करोगे 3 घंटा बोलते हो, उसमें मसाज ये वो करके बोलते हैं, विच इज़ नॉट इंक्लूडेड। तो आप फर्स्ट एक्सपीरियंस है तो आप एक बार आके एक्सप्लोर कर सकते हो, सेकंड टाइम आपको खुद मालूम पड़ जाएगा, जैसा मेरे को मालूम पड़ा है। तो सेकंड टाइम अगर मैं आता हूँ बोटिंग करना है तो 750 रुपीज़ गवर्नमेंट फीस पे करो, 1 घंटे के लिए जाओ पानी में, जाके बोटिंग करके आ जाओ, फिर बाद में वो लोग 3 घंटा बोल के 2,000 रुपये लेके जो आपको दूसरी जगह लेके जाते हैं ना, तो आपको है ना वो दूसरा रास्ता मालूम पड़ जाएगा, क्योंकि यू कैन गो बाय वॉक, बीच में से एक रास्ता है वहाँ पे पुल बनाया है, आप वहाँ से डायरेक्टली वॉक करके जा सकते हो। और मसाज वसाज का तो सीन ही है, वहाँ पर कराओ या इधर कराओ, तो यहाँ पर भी लोग हैं वो लोग मसाज करते हैं, लेकिन यहाँ पर भी वेरी स्मार्ट,
वो लोग आपको है ना उल्लू तो बनाएंगे, क्योंकि बोलेंगे 1,000, 1,500, 2,000 एक मसाज का बोलेंगे, लेकिन उतना होता नहीं है। रीजनेबल रेट में आप जितना बार्गेनिंग कर सकते हो, जितना कम करा सकते हो ना, उतने कम में हो जाएगा। अभी हम लोग आए हैं वॉक करते हुए इस साइड में, यहाँ पे फिशिंग कर रहे हैं वो लोग, देखेंगे फिशिंग कैसी होती है यहाँ की, क्योंकि फास्ट पानी है तो किस तरह से फिशिंग करते हैं। शायद वो लोग फिश क्लीन कर रहे हैं। यहाँ की गलियाँ मैंने शायद दिखाया नहीं, यहाँ की गलियाँ बहुत छोटी है। अब दिखाता हूँ कैसी दिखती है गलियाँ की। ये गलियाँ इसकी यहाँ पे है, यहाँ से मैं आया हूँ वॉक करके, और ये रास्ता फॉल्स की तरफ जाता है, बोटिंग वोटिंग की तरफ जाता है। फॉल्स की तरफ तो नहीं जाता है, फॉल्स के लिए राइट लेना पड़ेगा, यहाँ से स्ट्रेट जाएंगे तो बोटिंग आता है। यहाँ पर शॉप्स ऐसी है, और यहाँ पर ना लकड़ियों में ही खाना बनाते हैं लोग। यहाँ पे शायद ये लकड़ी फंसी हुई है, वो जब लकड़ी तोड़ दिया और लकड़ी से बात कर रहे, बोलते उधर रुक जा, उधर रुक जा, उधर रुक जा। पानी का फोर्स है ना यहाँ तक आ गया है, इन्होंने बंद कर दिया है। यहाँ पे एक्चुअली एंट्री नहीं है, तो बोट वाले अंकल के वो लोग पहचान वाले हैं यहाँ की, जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, उन्होंने परमिशन दे दिया जाने के लिए, बोल दिया, तो हम लोग आ गए। ये लोग क्लीनिंग कर रहे हैं यहाँ पे, ये क्लीनिंग कर रहे हैं यहाँ पे, लकड़ियाँ वगैरह पानी में जो फंसी है बड़ी बड़ी लकड़ियाँ वो निकाल रहे हैं। अभी हम लोग कल जो जगह पे गए थे ना, वो जगह के लिए शॉर्टकट रास्ता है, तो यहाँ से जाना है। तो अगली बार जब आते हो ना आप, तो शायद आपको ये ओपन मिलेगा। ये ना मैंने वहाँ पे बात किया रात में जब खाना खाने के लिए गया था, तो उन्होंने बताया मेरे को कि कोरोना की वजह से ना ये सब बंद हो गया था, और अभी रिसेंटली ओपन हुआ है, और ये पोर्शन बंद है, बोटिंग ओपन है, ये पोर्शन बंद ही किया, फॉल्स वगैरह उन्होंने बंद ही रखा है, ऐसा उन्होंने बताया। मुझे तो मालूम नहीं है, ऑब्वियसली वो लोग जो बताएंगे तो वही मानेंगे हम लोग। और यहाँ पे देखो कितनी बड़ी बड़ी लकड़ियाँ टूट टूट के आई है, ये ना पानी में बह के आई है। अभी है ना ये पानी इतना ज़्यादा है, अभी है ना यहाँ पर ब्लॉक किया है इसको, तो जब पानी कम होएगा ना तो इसको काट वाट के ये लोग अलग करेंगे। अभी ये लकड़ियाँ तो निकाल रहे हैं वो लोग, वहाँ पर हैं वो पूरे लोग, वही काम में लगे हुए हैं। लोगों की, गाँव वालों की लाइफ, अंकल का लक है एक्चुअली बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस प्लेस। सुबह सुबह उठ जाओ, इधर ही पानी वानी का टेंशन नहीं है, इधर ही बैठो, इधर ही वॉश करो, इधर ही सब करो, मस्त आराम से रिवर के बाजू में बैठ के ना, पानी जा रहा है वहाँ पे बैठ के ब्रश वगैरह कर रहे हैं, आराम से मज़े में है, कोई टेंशन नहीं उनको। और ये रास्ता है ना हम लोग के लिए कल बंद करके ऐसा बता रहे थे, ओनली लोकल ही जा सकते हैं, लेकिन आज हम लोग आए हैं, सुबह सुबह आए हैं, पुलिस वोलिस कुछ नहीं है, तो अंकल ने बताया कि रास्ते में जाओ, तो हम लोग आगे नहीं जाते। यहाँ पे एक फॉल्स है, यहाँ पे एक फॉल्स है, ये देखने के लिए नहीं मिला था हम लोग को। और यहाँ पे भी एक जगह है ये वाला, तो ये जगह हम लोग को देखने के लिए नहीं मिली थी, हम लोग ने ये चीज़ें मिस की थी। और ये साइड में ये फोटो जगह मिस हो गई थी, मैं देखा नहीं था ये जगह। अभी हम लोग कल जो जगह पे गए थे ना, वो जगह पे जा रहे हैं, अभी देखेंगे वहाँ पे एंट्री एग्जिट कुछ लिखा हुआ है, तो एंट्री एग्जिट का क्या है सीन, उनसे बात करेंगे, फिर उनसे बात करने के बाद हम लोग फिर जाएंगे आगे की तरफ, क्या बोलते हैं देखते हैं। और हर जगह काम आती है, यहाँ पे एंट्री ऑफिशियली बंद है, मतलब जा नहीं सकते करके बोल रहा था। कल हम लोग है ना यही जगह पे आए थे, ओनली लोकलिस्ट के लिए ये परमिशन है, लोकलिस्ट आ सकते हैं जा सकते हैं करके बताया उन्होंने। अभी हम लोग ब्रिज पे आ गए हैं, और यहाँ ये सीन है, तो बहुत ज़्यादा टाइम हो गया हम लोग यहाँ पे, बहुत ज़्यादा टाइम यही ब्रिज पे स्पेंड कर रहे हैं। वो बंदा आगे जाने के लिए दे रहा नहीं, वो बोल रहा है कि मना कर रहा है आगे जाने के लिए, तो ये लास्ट जगह है, यहाँ से हम लोग अभी जा रहे हैं, यहाँ से निकल रहे हैं हम लोग। और जब ये पानी कम हो जाएगा ना, यहाँ पे जो ये पानी दिख रहा है आपको, बहुत ज़्यादा पानी है वहाँ पर, लोग खड़े हुए वहाँ पे एक्चुअली बाकी होती है, तो वहाँ पे उन्होंने ना वो रैक बनाया है होल्डिंग वगैरह के लिए, मतलब ज़्यादा फास्ट पानी आता है तो बंदा है ना, मतलब डिफ़िकल्टी ना हो इसके लिए। अभी वहाँ पे बहुत कचरा गंदगी बहुत फंसी हुई है, तो जब ये पानी कम हो जाएगा, मतलब आफ्टर 2-3 मंथ या 4 मंथ्स, मार्च में मई में पानी कम हो जाएगा, तो शायद से फिर वो लोग वापस से ओपन करेंगे। अभी हम लोग है ना यहाँ गेट से निकल रहे हैं, अभी गेट से निकलने के बाद हम लोग देखेंगे
कुछ और रहेगा तो देखेंगे, नहीं तो फिर हम लोग हमारी आगे की जर्नी वहाँ से स्टार्ट करेंगे। फिलहाल अभी तो मालूम नहीं आगे और क्या मिलेगा देखने के लिए, क्योंकि ये जो गेट बंद थे वो तो हम लोग आगे आगे से अभी, और आगे जाने के बाद और देखते हैं फिर और क्या है। आ गया लास्ट व्यू, लास्ट व्यू हम लोग इंजॉय कर रहे हैं क्योंकि आगे जाने नहीं दिया अंकल ने। अच्छा था इंसान बातचीत में, फर्स्ट टाइम मिलने के बाद मालूम ही पड़ता था, सेकंड टाइम वापस आया तो अच्छा बात किया, बताया उन्होंने तो कैसा है क्या है करके। हल्की हल्की धूप आ रही है और अच्छा लग रहा है। ये पानी है ऊपर तक आया, यहाँ तक पानी, यहाँ पे भी डीप है बहुत ज़्यादा। तो पहले यहाँ पे ना बैरिकेड लगाए थे, ये शायद पानी की वजह से टूट गए हैं ये ऐसे बैरिकेड थे, तो पानी ऊपर से फ्लो हो रहा था उसकी वजह से ना बैरिकेड पूरे टूट गए हैं। ये डोर खोल दिए, यहाँ पे कॉप्स रहते हैं, अब मैं जा रहा हूँ। नॉर्मली ये लॉक रहता है, अभी भी लगाया है लॉक, लॉक बंद करते हैं। यहाँ पे लोग काम कर रहे हैं लोकल एज पे, और ये साइड में फिश मार्केट है, ये साइड में पीछे की साइड में पूरा फिश मार्केट है। यहाँ से अब जब आते हो तो यहाँ से फ़िश खरीद के उनको दे सकते हो, जो कुक करेंगे वो आप लेके उनको दे सकते हो, फिर वो लोग आप मसाला वगैरह सब प्रिपेयर करके फ़िश वगैरह सब बना के फिर आपको क्या करेंगे मालूम, वो देंगे आपको खाने के लिए। तो यहाँ पे ऐसा सीन होता है, इंजॉय करते हुए चाहिए था। और कुछ मिला नहीं देखने के लिए, वो कुछ बता रहे थे कि बड़ा बहुत बड़ा फॉल है वो विजय द पहाड़ ऑफ कर्नाटका करके बता रहे थे। अभी पानी तो देख लिया, और कितना पानी देखना है। मैं बोला कि चलो निकलते हैं आगे जाएंगे दूसरी जगह देखेंगे, नहीं तो खाली पीली टाइम वेस्ट होएगा, फिर पूरा दिन इधर ही वेस्ट हो जाएगा, फिर कुछ कर नहीं पाएंगे। आगे भी जाना है, आगे भी देखना है। देखते हैं अगली बार अगर आते हैं तो वो जगह को भी विज़िट करेंगे, अभी फ़िलहाल के लिए तो जाएंगे आगे। अभी नाश्ता करते हैं, बहुत भूख लग रही है, टाइम भी हो गया है। हम लोग यहाँ पे रोड साइड होटल में खाना खा रहे हैं अभी, और मैंने प्लेन डोसा ऑर्डर किया हूँ। ये डोसा सही अच्छा लग रहा है, मतलब नॉर्मली जो डोसा खाते हैं बहुत सही है। हो गया हमारा यहाँ से, अभी हम लोग नहा धो के फ्रेश हो गए, रेडी हो गए, अभी हम लोग यहाँ से साइन आउट कर रहे हैं, निकल रहे हैं यहाँ से, चेकआउट करेंगे और वी आर मूविंग टूवर्ड्स एयरकार्ट। एंड वहाँ पे मैंने ना एक हिल स्टेशन देखा हूँ, तो वी आर स्ट्रेट अवे वी आर गोइंग टू दैट प्लेस, तो दैट विल बी माई फर्स्ट स्टॉप वेयर आई विल बी गोइंग। एंड रास्ते में तो ऑब्वियसली आप रहोगे, देखते हैं रास्ते में क्या क्या होता है। चलो फिर निकलते हैं यहाँ से, निकलते हैं।